नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं जीत जायसवाल आप सभी को अपने चैनल टारगेट इज पॉसिबल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो और टॉपिक बहुत ही खास है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपना CSE डिजिटल सेवा और डीजी मेल, जिनको मिल गया है और जिनको नहीं मिला है वे क्या करेंगे, और जिनको मिल गया वे आगे क्या करेंगे उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी दूंगा। और फ्रेंड, एक बात मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिंपली यहाँ पे रेड कलर का प्ले बटन जो कि जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जो कि आपके वीडियो जो प्ले होता है वीडियो के नीचे आपको ऐसा ही बटन दिखेगा, उस पर आप लोग एक बार क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जो भी टारगेट इज पॉसिबल की तरफ से वीडियो जारी हो वह आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो क्या ना मेल प्राप्त हो उस वीडियो का, तो आप लोग जैसे ही वहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब का बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बेल का आइकन शो होगा, उस बेल के आइकन पे आप लोग क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जितने भी टारगेट इज पॉसिबल की तरफ से वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मेल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड, सबसे पहले जिन्हें डीजी मेल की आईडी या पासवर्ड प्राप्त हो गई है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि उनको ये अगर VM मेल आ गया हो CSE 2.0 नोटिफिकेशन, और इसमें नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि अपने डीजी मेल की आईडी और पासवर्ड को किसी के साथ साझा ना करें या फिर कोई भी किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसे शो ना करें। इस नोटिफिकेशन को आप लोग क्या नाम ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, और कहीं ना कहीं अगर CSE के कोई भी कर्मचारी या फिर अधिकारी आपको ये सब करते हुए कहीं से देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो आपको हमेशा के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। आप कभी भी CSE का आईडी और पासवर्ड नहीं पा सकते हैं, तो इस सब चीज़ों से आप लोग बचे रहें। और जिन्हें भी डीजी मेल की आईडी और पासवर्ड मिल गई है, वे पासवर्ड अपना चेंज कर लिए हैं और अपना उसे यूज कर रहे हैं, तो उनसे उन्हें भी एक मुझे नोटिफिकेशन बताना ज़रूरी है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिला है। उस डीजी मेल को आप लोग सार्वजनिक रूप से प्रयोग ना करें, उसमें आप लोगों को अगर कोई कंप्लेंट बनता हो तो अपने नोटिफिकेशन के लिए आप लोग CSE का जो सपोर्ट टीम होते हैं आप उनके पास ही केवल मेल कीजिएगा, और अदर किसी अपने पर्सनल पर्पज यूज के लिए किसी के पास उसे मेल ना करें। और उसमें जितना आपको मेल आया और उस मेल को आप लोग पढ़िए, और उस मेल को आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं, उसे आप लोग डिलीट कर सकते हैं। और किसी को भी आप उस मेल जो मेल मिला आपको डीजी मेल की ईमेल आईडी उसे कहीं भी साझा ना करें, ताकि कोई इस पर आपको मेल ना भेजे किसी भी कंपनी किसी भी कोई भी ऐसे वर्क के लिए विदाउट वर्क के लिए उसे आप लोग शेयर ना करें, उसे बस अपने CSE के लिए ही यूज करें, क्योंकि उसमें स्पेस कम है और ज़्यादा फालतू उसमें मेल आएंगे तो आपको CSE नोटिफिकेशन भी दिया जाएगा और आपको वहाँ से ब्लॉक भी कर दिया जाएगा आप डीजी मेल। तो आप लोग उसे खाली रखें और उसमें बस वेट करें कि आपको आईडी पासवर्ड कब तक मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड का ही केवल वेट करें। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि मेरे डीजी मेल पर एक मेल आया है, ये कंग्रेचुलेशन वेलकम टू डीजी मेल डियर VLE। तो फ्रेंड इस मेल को आपके भी डीजी मेल पर आया होगा, आप लोग भी इस मेल को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे दिया, देखिए ऑप्शन दिया है, द मैक्सिमम साइज ऑफ द अटैचमेंट टू द बी स्टार्टेड कंटेंट कनेक्ट एक्सेड मोर देन 2 MB। 2 MB से ज़्यादा फाइल कोई भी इसमें अटैच मत कीजिएगा, और किसी के साथ शेयर ना करें अपना पासवर्ड पूरा। हमेशा ही आपको नोटिफिकेशन मिलता होगा, आपके भी मेल पे मिला होगा और डीजी मेल पे भी दिया गया ये मेल, और जल्द से जल्द आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं मिला है डीजी मेल की क्या ना डिजिटल सेवा का पोर्टल आईडी पासवर्ड, अभी पुराने से ही काम चल रहा है। और फ्रेंड आप लोगों से एक बार कहना चाहूँगा, जिनको अभी डीजी मेल की आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, जो रजिस्ट्रेशन किए हैं या फिर कोई नया रजिस्ट्रेशन किसी ने किया हो, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन किया है, अगर उनको डीजी मेल की आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, तो आप लोग फिर से इस पोर्टल पे आ जाइए register.cse.gov.in पे। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग आएंगे तो यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन पे आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे आप लोग क्लिक कर लीजिए, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा। आप लोग जब रजिस्ट्रेशन किए होंगे अपना रजिस्ट्रेशन या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पर आप लोगों को एक 14 या 16 अंकों का एक एप्लीकेशन नंबर दिया गया होगा, उस एप्लीकेशन नंबर को आप लोग यहाँ पे टाइप करके कैप्चा भर के सबमिट कर दीजिए। अगर आप लोगों को स्टेटस में ये दिखा रहा हो एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड एंड एक्टिवेटेड, तो आप लोग वेट कर लीजिए, आप लोगों को जल्द से जल्द डीजी मेल की आईडी और पासवर्ड मिल जाएगी। और भी कुछ नोटिफिकेशन शो कर रहा हो जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दोबारा से कर दीजिए,
और जो कॉलम नहीं समझ में आता है अपने सीनियर से या फिर वीडियो के माध्यम से देख के या फिर अपने कस्टमर केयर में कॉल करके आप लोग अच्छे से पूछ के और स्टेप बाय स्टेप सही कॉलम भरिएगा, आपको निश्चित मिल जाएगा। अगर आपका वो नोटिफिकेशन एप्लीकेशन स्टेटस में ये दिखाता है सबमिटेड एंड एक्टिवेटेड तो आपको आज या तो कल निश्चित मिल जाएगा। और भी कोई समस्या होती हो तो आप लोग कमेंट बार में मुझसे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप टोल फ्री नंबर पर आप लोग कॉल करके बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसमें कहीं ना कहीं लगभग लगभग 85% लोगों को मिल गया है और जितने लोगों का अभी जो लेट से भरे हैं उनको लेट से ही मिलेगा, जो पहले भर दिए हैं उनको पहले से हिसाब से मिल रहा है और जो सही भरे हैं बाद में ही भरे हैं लेकिन सही भरे हैं उनको भी डिजीमेल की आईडी पासवर्ड मिल गई है। तो आप लोग बस सब्र कीजिए, आप लोगों को भी मिल जाएगा जिनको नहीं मिला है। और आप जानते हैं कि आपका आप सही भरे हैं और जो मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन सबमिटेड और एक्टिवेटेड दिखा रहा है तो आप लोग इंतजार कीजिए, आपको रजिस्टर जो मेल आईडी होगा जो आधार से आप लोगों ने मेल आईडी अटैच किया होगा उस मेल आईडी पे आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मैं कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम इस टारगेट इस पॉसिबल की तरह से मैं इसके पहले एक वीडियो मैं जारी किया था बहुत पहले, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लोगों जो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं जो लोगों आप में आपको जो फर्क दिखाई दे रहा है उस लोगों में भी आप अगर कुछ फर्क दिखाई देता हो उस लोगों के हिसाब से भी आप सबमिट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं उस वीडियो को मैं डाला था कि आपको अगर सर्टिफिकेट मिल गया सर्टिफिकेट के बीच में डिजिटल सेवा का लोगों अगर दिख रहा हो कंप्लीट रूप से तो आप निश्चिंत रह सकते हैं आपको भी मिल जाएगा जल्द से जल्द। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और फ्रेंड कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं और फ्रेंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।